हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऐप हाउस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से मोबाइल की मदद से मोबाइल में ही आप गूगल एड्स का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, गूगल एड्स की मदद से हम अपने यूट्यूब वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं और इसके थ्रू दोस्तों हम अपने यूट्यूब चैनल के वीडियोस के ऊपर व्यूज ला सकते हैं, अपने चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं और इस तरह से अब हम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम होता है न्यू यूट्यूबर के लिए, तो उन्हें यही नहीं पता होता कि गूगल एड्स के अंदर किस तरह से अकाउंट ओपन करना है और किस तरह से उसके अंदर दोस्तों वीडियो को एडवर्टाइज़ करना है, वीडियोस की किस तरह से कैंपेन रन करना है। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियोस बना के रखे कि किस तरह से आप गूगल एड्स के थ्रू एक कैंपेन रन कर सकते हैं, वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मोबाइल की मदद से ही किस तरह से गूगल एड्स के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको आपके मोबाइल के अंदर एक ब्राउजर है, इस ब्राउजर का नाम है पफिन ब्राउजर, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इस पफिन ब्राउजर को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में इसे इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद में जब आप इसे ओपन करोगे तो इस तरह से कुछ दोस्तों इसका इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको गूगल के ऊपर क्लिक करना है और गूगल के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे टॉप के ऊपर राइट के अंदर टॉप में यहाँ पे 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट इसको ऑन रखना है। आप जब फर्स्ट टाइम आप दोस्तों इस ब्राउजर को जब ओपन करोगे तो यहाँ पे दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये ऑफ होगा, तो आपको इसे ऑन करना है। मतलब यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है तो इस ब्लू कलर के अंदर ये होना चाहिए, तो आपको इसे ऑन कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर गूगल के अंदर आना है और यहाँ पे दोस्तों आपको टाइप करना है गूगल एड्स। इस तरह से आपको दोस्तों टाइप करके इसे सर्च करना है। तो जैसे आप इसे टाइप करके सर्च करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह के रिजल्ट यहाँ पर ओपन होंगे। तो आपको यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहला जो रिजल्ट है साइन इन टू गूगल एड्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर ये गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से साइन इन का ऑप्शन आएगा। तो आपको जिस ईमेल आईडी से आपको गूगल एड्स का अकाउंट ओपन करना है उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं एक ईमेल आईडी को इंटर कर देता हूँ। दोस्तों ईमेल आईडी को इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चे को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए मैं इस कैप्चे को यहाँ पे फिल कर देता हूँ। कैप्चे को फिल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर हमसे यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड इंटर करने के लिए पूछा जाएगा। जो हमारा ईमेल एड्रेस है उसका हमें पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना होगा। चलिए मैं पासवर्ड भी यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। पासवर्ड इंटर करने के बाद में दोस्तों हमें इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ईमेल एड्रेस इंटर करने के बाद में, पासवर्ड इंटर करने के बाद में, कैप्चा फिल करने के बाद में अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। व्हाट डू यू वांट टू प्रोमोट, तो यहाँ पर आपको वेबसाइट वगैरह इस तरह के आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पर दोस्तों एक डाउन साइड में नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्विच टू एक्सपोर्ट मोड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप स्विच टू एक्सपोर्ट मोड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आगे का जो पेज है वो ओपन होगा, नेक्स्ट पेज। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस यहाँ पर ओपन होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कंपेन, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउन साइड के अंदर क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कंपेन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको जो आपकी बिलिंग कंट्री है वो इंडिया है, उसके बाद में टाइम जोन जो है वो भी यहाँ पे दिया है, करेंसी इंडियन रुपी। तो यहाँ से अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे करेंसी वगैरह अगर आप डॉलर करना चाहते हैं तो डॉलर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें डॉलर वगैरह नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो इंडिया है, टाइम जोन भी जो है दोस्तों प्रॉपरली है और हमारी जो करेंसी है वो भी INR के अंदर दी है। इसके बाद में जस्ट हमको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो लगभग बन चुका है। यहाँ पे मैसेज आ चुका है कांग्रेस यू आर ऑल डन। उसके बाद में यहाँ पे एक्सप्लोर योर अकाउंट पे हमें
क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों हम एक्सप्लोर योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो गूगल एड्स का जो अकाउंट है दोस्तों वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर बन चुका है, तैयार हो चुका है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं दोस्तों न्यू कंपेन का ऑप्शन हमें यहाँ पर आ चुका है। तो आप न्यू कंपेन का यूज़ करके दोस्तों आप एक कंपेन रन कर सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल के वीडियोस को प्रमोट कर सकते हो और अपने यूट्यूब चैनल की ग्रोथ कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह से आप मोबाइल की मदद से गूगल एड्स के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते दोस्तों कि किस तरह से इसके अंदर यूट्यूब वीडियोस को प्रमोट करना है, किस तरह से न्यू कंपेन रन करना है, तो उसके इस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। तो अगर आपके वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।